हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अभी चैप्टर 3 और 4 का, जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही चैप्टर 3 और 4 का देखा था ना क्रैश कोर्स, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उसमें रह गए थे, तो इस वीडियो में वो कंप्लीट होना है। तो इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का जनरल नॉलेज चैप्टर 3 और 4 का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इट मीन्स क्रैश कोर्स का ही आप पार्ट 2 इसे समझ सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। Much of it can be seen depicted in the natural and man-made caves in the country. आपको पता है ना, इंडिया का जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो हिस्ट्री है, जो इसका इतिहास है, वो काफ़ी सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इंडिया को लोग इसके कल्चर ट्रेडिशन के लिए पूरे विश्व भर में जानते हैं। तो इसका जो ट्रेडिशन है, इसका जो कल्चर है, इसकी जो खासियत है, वो कहीं ना कहीं डिपिक्टेड है। जैसे अब हमें तो पता नहीं चलेगा ना, तो हम उन चीज़ों को देखते हैं, या तो आप उसे वॉल पेंटिंग, दीवार पे देख सकते हो पेंटिंग के थ्रू, या फिर डिपिक्शन होता है रॉक्स के ऊपर, केप्स में, तो ये सारा कुछ उसी से रिलेटेड है। तो क्या है यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल और मैनमेड केप्स हैं जिसमें इंडिया की हिस्ट्री को दर्शाया गया है। इंडिया का जो सुनहरा हिस्ट्री है उसे दिखाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था पहले के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, द ग्लोबल बिपासाना पगोडा इज द लार्जेस्ट स्टोन डोम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो स्टोन डोम है वो कौन है? ग्लोबल बिपासाना पगोडा। इट वॉज बिल्ट विदाउट एनी सपोर्टिंग पिलर्स, और ये बिना किसी पिलर्स का बना है। इसकी खासियत क्या है, मतलब आखिर क्या ऐसे इसमें है कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोम है, स्टोन डोम है? तो इसकी खासियत ये है ना कि ये बिना पिलर्स का बना है, इसका कोई सपोर्टिंग पिलर्स नहीं है, ये बिना पिलर्स का बनाया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, जोगीमारा केप्स। तो जोगीमारा केप्स लोकेटेड इन द डार्क फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो डार्क फॉरेस्ट है, घने जंगल है, उसमें लोकेटेड है ये जोगीमारा केप्स। द केव एंट्रेंस इज कॉल्ड द हाथी पल, और इसका जो एंट्रेंस है, मतलब जहाँ से लोग इसमें एंटर करते, केव के अंदर घुसने का जो द्वार है, उसका नाम है हाथी पल, इंडिकेटिंग डैट इवन एलिफेंट्स कैन पास थ्रू इट। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर से एलिफेंट्स भी पास कर सकते हैं। ये हाथी पल, ये केव इतना बड़ा है, जो जोगीमारा केव छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में स्थित है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या होता है? रायपुर। छत्तीसगढ़ एक इंडिया का स्टेट है, तो इसका जो एंट्रेंस है वो इतना काफ़ी बड़ा है, इतना बिग है, इतना बड़े साइज का है कि उसमें से हाथी भी एंटर कर सकता, आ जा सकता है आराम से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? हाथी पल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो उस वीडियो में रह गए थे, तो इसमें ये फिनिश हुआ है अभी। तो आपको यही माइंड में सेट रखना है और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ही पढ़ना है। तो फर्स्ट क्या था हमारा, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मच ऑफ इट कैन बी सीन डिपिक्टेड इन द नेचुरल एंड मैनमेड केव्स इन द कंट्री। कंट्री में ऐसे बहुत सारे नेचुरल और मैनमेड केव्स हैं जिसमें हम अपने हिस्ट्री को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री के टाइम पे, अब हम तो उस टाइम पे थे नहीं ना, हमारे पूर्वज थे, तो हमें कैसे मालूम होगी? तो हम बुक्स के थ्रू या फिर स्टोन पे, केव्स पे, पेंटिंग के थ्रू इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो वही है कि इंडिया का, अपने कंट्री का, हमारा जो कंट्री है, इसका इतिहास हम अपने केव्स में डिपिक्टेड देख सकते हैं। तो फिर ग्लोबल बिपासाना पगोडा हो गया, जो लार्जेस्ट डोम है कंट्री पूरे वर्ल्ड का, और ये बिना किसी सपोर्टिंग पिलर्स का बना है। फिर जोगीमारा केव्स, जो कि डार्क फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, इसका एंट्रेंस को हम लोग हाथी पल के नाम से जानते हैं, इसका मतलब ये है कि इवन एलिफेंट्स कैन पास थ्रू इट, इससे एलिफेंट्स भी आसानी से आ जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। इसका जो द्वार है, इसका जो मेन गेट है, जो एंट्रेंस गेट है इसका, वो इतना बड़ा साइज का है कि इससे एलिफेंट भी आ जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर 3 और 4 का, ये मर्जिंग वीडियो है क्रैश कोर्स का। तो आप इसे एक बार पढ़ोगे अच्छे से, ध्यान से, और फिर से याद रखेंगे। टिल देन बी सेफ एंड थैंक यू।